नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आप क्या सोचते हैं कि एम्प्लॉयज भी कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयज कभी कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब केवल कंपनी के मालिक होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि फिर एम्प्लॉय कैसे कामयाब होगा, वो तो कभी कंपनी का मालिक बन नहीं पाएगा। यस, एम्प्लॉय तभी कामयाब हो सकता है अगर वो अपने आप को एम्प्लॉय ना समझकर मालिक समझना शुरू कर दे। आपने ठीक सुना, रिपीट करता हूं, अपने आप को एम्प्लॉय ना समझकर कंपनी का मालिक समझना शुरू कर दे। चेयरमैन कोई और है, बना रहने दो। मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और है, बना रहने दो। सीईओ कोई और है, बना रहने दो। जीएम कोई और है, बना रहने दो। लेकिन आप कंपनी के मालिक हो। वैसा ही सोचो जैसे एक मालिक सोचता है, वैसा ही करो जैसा एक मालिक करता है। अगर एक पैसे का प्रॉफिट मालिक को अंदर से खुशी होती है, वो आपको होनी चाहिए। एक पैसे का नुकसान मालिक को दुख होता है, पिंच करता है, वो आपको भी करना चाहिए। मालिक कितना भी अमीर हो, ऑफिस से निकलने के समय सभी स्विच ऑफ करके जाता है, लेकिन एम्प्लॉय टिफिन लेके बाहर निकल जाता है। मालिक कितना भी अमीर हो, अगर 9 बजे का टाइम हो तो 9:15 पहुंच जाता है, लेकिन एम्प्लॉय 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ही पहुंचता है। मालिक कितना भी अमीर हो, अगर 6 बजे जाने का टाइम है तो 6:15 जाता है, लेकिन एम्प्लॉय 6 बजे निकल जाता है। मालिक कितना भी अमीर हो, 24 आवर्स अपनी कंपनी के बारे में सोचता है, लेकिन एम्प्लॉय केवल 10 to 6 अपनी कंपनी के बारे में सोचता है। कंपनी आपकी अपनी है, आप इसके मालिक हो, प्रोप्राइटर हो, ओनर हो। जिस दिन से ये सोचना शुरू कर दोगे, आप नोटिस हो जाओगे, क्योंकि हीरा जब चमकता है ना तो जौहरी उसे पहचान लेता है, और अगर जौहरी ना पहचान पाए तो जौहरी नकली है, उसके ऊपर एक और जौहरी है, वो पहचान लेगा, उसके ऊपर का जौहरी पहचान लेगा। एंड बिलीव मी, मैंने पिछले 37 ईयर्स के अपने ट्रेनिंग करियर में ये हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने अपने आप को कंपनी का मालिक समझा और आज मालिक के नजदीक नजदीक, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, या वाइस प्रेसिडेंट हैं, या प्रेसिडेंट हैं, या सीईओ हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कितने ही लोग एज ए मैकेनिक ज्वाइन करके चेयरमैन बन गए, कितने ही लोग एज ए प्योन ज्वाइन करके जीएम बन गए। अगर विश्वास है तो कोशिश कर लेना, आप भी एक दिन उसी कंपनी में मालिक हो जाओगे, यानी मालिक के नजदीक नजदीक किसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। आपने करना क्या है? अपने आप को एम्प्लॉय ना समझ के कंपनी का मालिक समझना है। बहुत जल्दी ही आपकी तरक्की के लिए और वीडियोस लेके आपके सामने आ रहा हूं। सीखते रहो, बढ़ते रहो।